फेस्टिव सीजन चल रहा है, लोग घरों से बाहर खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। आज धनतेरस का पर्व है, दो दिन बाद दिवाली है। इस बीच एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में दम घुटने का खतरा है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बढ़ने लगा है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से दिल्ली में इसका असर साफ दिख रहा है। यानी ये दिवाली नो टू फायर क्रैकर्स तो हो गया है, कानून भी बन गया है, लेकिन इस सब के बीच में पराली प्रदूषण का सबब बन रही है। कई इलाकों में AQI लेवल जो है वो 300 से ज्यादा, यानी कि हवा जो है अब जहरीली हो चली है। अब खतरा यह है कि अगर दिवाली पर पटाखे ज्यादा जल गए तो ये हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। हालांकि पटाखे सुप्रीम कोर्ट ने बैन किए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी कहीं ना कहीं से चोरी छिपे पटाखे जो है वो जुगाड़ ही लेते हैं और उसके बाद पटाखे जलते हैं दिवाली पर। ऐसा हमने हर साल देखा है और इसका असर प्रदूषण पर भी पड़ेगा। हालांकि एक अलग बहस है कि दिवाली पर ही क्यों पटाखे बैन किए जाते हैं। हवा में जहर घुलेगा जो जहर सांसों के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ पॉल्यूशन का स्तर कम करने के लिए जो उपाय किए हैं वो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। स्मोक टावर लगाया और ऐसे में ग्रीन ऐप भी बनाई गई, बहुत कुछ किया गया। पराली के समाधान के लिए भी दावे किए गए कि कई केमिकल्स जो हैं वो एक सॉल्यूशन के तौर पर ईजाद किए गए हैं, लेकिन इसका असर ज़मीन पर कम ही देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विभाग ने एक अनुमान लगाया है जिसके मुताबिक 4 नवंबर तक हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 4 नवंबर तक खराब श्रेणी में रहने की उम्मीद है, जो 5 से 6 नवंबर को बहुत खराब की श्रेणी में जा पहुंचेगी। इसका असर भी देखने लगा है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। आनंद विहार पर AQI इंडेक्स जो है 264 है, ITO पर 325, जहांगीरपुरी पर 333 और नेहरू नगर में 316 तक जा पहुंचा है। लगातार ये लेवल बढ़ता जा रहा है, जो दिवाली पर अगर पटाखे चलते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे कैसे प्रदूषण कम होगा, क्योंकि प्रदूषण रोकने के लिए जो उपाय किए गए थे, जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, जो ग्रीन रूम बनाए गए थे, वो सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। खासतौर से प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों का उदासीन रवैया इसे और ज्यादा बढ़ा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ 211 शिकायतें मिली, जिसमें 15 पर एक्शन हुआ, अभी तक 97 पेंडिंग है। इसी तरह यूपी में 31 शिकायतें आईं, 5 पर कार्रवाई हुई, बाकी 23 पर कुछ नहीं हुआ है। हरियाणा में 58 शिकायतों में से 15 पर एक्शन हुआ है, 43 अभी भी पेंडिंग है। और आपको बता दें कि इसमें से कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये आंकड़े CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से लिए गए हैं। तस्वीर साफ है, प्रदूषण रोकने के लिए सरकारें कितनी गंभीर हैं, ये आंकड़े खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हर साल दिवाली के आसपास प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, खासतौर से बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफी नुकसानदायक स्तर पर यह पहुंच जाता है। दिवाली में दो दिन बाकी है, लेकिन दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल खराब हालत में जा पहुंचा है। हालांकि दिल्ली में पटाखे बैन है, फिर भी कुछ लोग चोरी छुपे पटाखे चला सकते हैं। ऐसे में दिवाली बाद पटाखों की वजह से पॉल्यूशन लेवल में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि पहले से ही पराली जलाने से दिल्ली की आबोहवा में दम घुटने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। आज भी जो है प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी बुरी अवस्था में पहुंचा हुआ है। अगर मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स PM2.5 दिखाऊं तो आज जो है पूरी दिल्ली का लगभग 306 है, जो काफी बुरी अवस्था में माना जाता है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ दूरी पर ITO पर भी IQ 300 के ऊपर है। इसके अलावा दूसरे इलाकों में प्रदूषण की वजह से धुंध छा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण कम करने के उपाय की बात कर रही है। कई इलाकों में वाटर कैनन से छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ नाकाफी दिख रहा है। नुकसान तो ही देखिए, आंखों की जलन है, फेफड़े में सबके, वैसे ही अभी कोरोना के चक्कर में वैसे ही लोगों का फेफड़ा कमजोर हो गया, लंग्स सबके कमजोर हो रखे हैं। और ये जो हम लोग धुआं ले रहे हैं, पोल्यूशन तो है ही ना, पोल्यूशन भी है, ये पराली का और धुआं है। अब इसको तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट देखे, चाहे पंजाबी गवर्नमेंट देखे, चाहे हरियाणा की देखे। दिल्ली के अलावा NCR के दूसरे शहरों में भी हालत खराब होती जा रही है। नोएडा में AQI लेवल 320 के पार जा पहुंचा है, जबकि ग्रेटर नोएडा में 300 के करीब है। प्रशासन ने 8 ऐसे स्पॉट चिन्हित किए हैं जहां सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। दिवाली के पहले ही दिल्ली NCR की आबो हवा में जहर घुलना शुरू हो गया। हम नोएडा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नोएडा में अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही आसमान में जो धुंध है वो धुंध छाई हुई है,
और पोल्यूशन के स्तर की अगर बात की जाए तो आज सुबह अभी की अगर बात की जाए तो 320 AQI नोएडा का दर्ज किया गया है, जबकि ग्रेटर नोएडा का AQI 254 पहुंच गया है। प्रदूषण का स्तर दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी बढ़ रहा है, लेकिन खतरा सबसे ज्यादा उत्तर भारत पर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकारी एजेंसियां प्रदूषण को रोकने के लिए तभी क्यों जागती हैं जब स्तर खतरनाक हालत में पहुंच जाता है। टीम न्यूज नेशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से लोग सांस की बीमारी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण रोकने को उपायों से ज्यादा बयानबाजी होती रही है। यही वजह अब तक कोई पुख्ता प्लान नहीं बन पाया है। वायु प्रदूषण जिन वजहों से फैलता है उसमें सबसे बड़ी वजह है ऊर्जा संयंत्र, जिसमें बिजली प्लांट, फैक्ट्री और दूसरे उद्योग शामिल हैं। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं भी पोल्यूशन का बड़ा सोर्स है। इंडस्ट्रियल उत्सर्जन भी वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहा है। और इसके अलावा दिवाली के आसपास पराली जलने से खासतौर से दिल्ली NCR में पोल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन का असर समझिए, देश के करीब 40% लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। खासतौर से उत्तर भारत में रहने वाले करीब 48 करोड़ लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण का यही हाल रहा तो लोगों को जो औसतन उनकी उम्र है वो 9 साल तक घट सकती है। वायु प्रदूषण से 2017 के मुकाबले 2019 में ज्यादा मौतें हुई हैं। साल 2019 में करीब 16 लाख मौत हुई थी। देश भर में कुल मौतों में 18% मौत जो है वो वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों से हुई, जबकि 2017 में आंकड़ा करीब 12 लाख था। प्रदूषण के वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और क्यों जो एक टास्क फोर्स पूरी बनाई गई थी, एक ऐप भी ग्रीन ऐप जो है वो लागू किया गया था, उसके बावजूद भी हालात जस के तस क्यों हैं, ये समझते हैं हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे से, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अभी से जो एयर क्वालिटी है वो खराब की श्रेणी में है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये खराब से और ज्यादा गंभीर जहरीली श्रेणी में पहुंच जाएगी। लगता नहीं है कि जो तमाम इंटर स्टेट मीटिंग्स चलती हैं, कोर्ट के जो आदेश होते हैं, सब कुछ जो है वो कहीं काम कर रहा है, क्योंकि नतीजा तो सिफर ही है। देखिए पिनाज, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और निश्चित तौर पे लगातार वायु प्रदूषण जो है हर साल इसी तरीके से ठंड के मौसम के आने के पहले शुरू हो जाती है और लगातार सरकारें मीटिंग्स करती हैं, बैठकें करती हैं, इंतजाम की बात करती हैं, लेकिन सारे के सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। आज जो सूरत हाल आपको बता दूँ कि PM2.5 307 के ऊपर है, यानी वेरी पुअर एयर क्वालिटी दिल्ली की है। इसके अलावा अगर हम बात करें कल की, तो कल मौसम विभाग का ये कहना, मौसम वैज्ञानिकों को का ये कहना है कि कल PM2.5 327 से ज़्यादा हो रहेगा, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वेरी सीवियर। और आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है? निश्चित तौर पे पराली जलाने की बात हम लगातार जो कह रहे हैं कि अभी पंजाब में फसलों का जलाना तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। दिवाली के आसपास जो है फसलों का कटना शुरू होता है, उसके बाद यानी आने वाले वक्त में और गंभीर समस्या वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में होने वाली है। लगातार जो शिकायतें मिलती हैं कि किन किन से कौन कौन सी शिकायतें हैं जिनका निपटारा करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है, चाहे हम इंडस्ट्रियल उत्सर्जन के माध्यम से प्रदूषण की बात कर लें, कच्ची सड़कों के माध्यम से धूल उड़ने वाले प्रदूषण की बात कर लें, जो भवन निर्माण होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं उसके प्रदूषण की बात कर लें, तो तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है नियंत्रित करके प्रदूषण को कम कर सकती है, लेकिन वो इंतजाम, वो कदम उतने मुकम्मल ढंग से नहीं उठाए जाते जिस तरीके से उठाए जाने चाहिए। लेकिन हमारी जो बात मौसम विभाग से हुई है, उनका यह कहना है कि अगर अभी भी वक्त है, अगर अभी हम नहीं चेते तो आने वाले दिनों में दिल्ली की जो हवा है और जहरीली होती जाएगी और लगातार लोग बीमार होते जाएंगे, क्योंकि कोरोना ने पहले ही लोगों के फेफड़े को कमजोर कर दिया है और ऐसी स्थिति में अगर प्रदूषण बढ़ता है तो स्थितियां गंभीर हो जाएंगी। बिल्कुल, अभी कोरोना से ही रिकवरी नहीं हुई है, त्योहारों के बाद तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और उस सबके बीच में दिल्ली NCR की जहरीली हवा, ये ट्रिपल अटैक है एक तरह से कहा जाए लोगों की सेहत के ऊपर। वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जहरीली हवा का शिकंजा कसने लगा है। वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारी होती हैं, जिसमें करीब 19% लोगों के फेफड़े का कैंसर का शिकार होते हैं, 16% लोग हार्ट की बीमारी के चंगुल में फंस जाते हैं, फेफड़ों से जुड़ी बीमारी करीब 41% लोगों को होती है, वहीं 20% लोगों को डायबिटीज हो जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार कहती है कि वो तैयारी कर रही है, इसके लिए 10-पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया है। प्लान एक है बायो डिकम्पोजर से पराली नष्ट करना, प्लान टू है धूल विरोधी अभियान चलाना, प्लान थ्री है कूड़ा जलाने पर जुर्माना, प्लान फोर है पटाखों पर प्रतिबंध, स्मॉग टावर, हॉटस्पॉट की निगरानी,
ग्रीन वॉर रूम, ग्रीन दिल्ली ऐप, ई कचरा पार्क, वाहन प्रदूषण पर रोक। लेकिन हैरत इस बात की है कि ये 10 पॉइंट जब मैं आपको बता रही हूं तो सुनने में कागजों पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में इसका असर क्या है? आप जरा बाहर निकलिए अपने घर से, दिल्ली की हवा में सांस लीजिए और पता चल जाएगा आपको। वायु प्रदूषण से न सिर्फ हेल्थ को नुकसान हो रहा है बल्कि देश की आर्थिक सेहत को भी नुकसान हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से देश को हर साल 7 लाख करोड़ का नुकसान होता है। 7 लाख करोड़ यानी कुल टैक्स कलेक्शन का 50%। 7 लाख करोड़ यानी देश के हेल्थ बजट का 150% से ज्यादा। 7 लाख करोड़ यानी GDP का 3% हिस्सा एयर पोल्यूशन की वजह से बर्बाद हो रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा मोहित से बात करें। मोहित, तब जबकि एक ऐसा खतरा है, एक ऐसी दिक्कत है जो हमें पता होता है कि सर्दियां आती ही आएगी, दिवाली के आसपास और बढ़ जाएगी, तो कुछ, चलिए आप परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन कुछ टेम्प्रेरी रिलीफ भी तो ला सकते हैं आप लोग? उसके लिए कोई इंतजाम, कोई छिड़काव पानी का, कुछ इस तरह के टेम्प्रेरी कुछ प्रयोग कुछ किया जा रहा है? और ये हाल तब है मोहित जब अभी ऑफिसेज फुल कैपेसिटी के साथ नहीं खुले हैं। बिल्कुल, देखिए अभी बिल्कुल पिनाज, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि अभी ऑफिसेज फुल कैपेसिटी के साथ नहीं खुले हैं, और आपने कहा कि आखिर मुकम्मल इंतजाम पहले क्यों नहीं कर लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि दिल्ली में जब प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एयर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, तो हम पत्तों में छिड़काव करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो इंतजाम नहीं किए गए। लगातार स्मॉग टावर की बात होती है, लगातार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार कहती है कि हम चौराहों पर हम जो है ऐसी मशीनें लगा रहे हैं कि ताकि प्रदूषण कम हो जाए, लेकिन उन मशीनों का उपयोग उस रूप में नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा जो अभी आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि हर साल 7 लाख करोड़ का नुकसान वायु प्रदूषण की वजह से होता है, सरकार को पता है कि आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है, तो ऐसे में अगर इस पैसे को अगर बचाना है तो निश्चित तौर पर वायु प्रदूषण के माध्यम से जो तमाम जो आर्थिक चोट पहुँचती है, जो लोगों की सेहत खराब होती है, उससे बचा जा सकता है। और बचा ऐसे जा सकता है कि ठंड के आने से पहले आप जो है बारिश का, देखिए जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश, तो वायु प्रदूषण का जो लेवल था वो बहुत कम हो गया था। तो ऐसे में सरकार के पास, राज्य सरकार के पास एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि विकल्प था कि वो इसी मौसम को और इसी प्रदूषण के स्तर को आगे तक वो बना के रख सकते थे, लेकिन हम दिल्ली में जिस रूप में सुविधाएं और जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए वो हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है। यानी आने वाले दिनों में देखिए दिवाली का मौसम है, पटाखों पर लगातार तरीके के बैन लगाए जा रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, राज्य सरकार कह रही है अब पटाखे जलाए जाएंगे, जो जागरूकता जा रही है, लोग नहीं चेत रहे हैं, और ऐसे में जब पटाखों के बाद दिवाली के बाद जो है दिल्ली की आबोहवा लगातार हम रिपोर्ट करते रहे, तो ऐसे में जो है कल भी पटाखे जलाए गए थे और उसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। मौसम विभाग का कहना है आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है, तो ऐसे में पटाखों के बाद और पराली के बाद दिल्ली की जो हालात है और ज्यादा विकराल होने वाले हैं, ये मौसम विभाग का कहना है। और ऐसे में अब सरकारों का क्या कदम होगा, किस रूप में वो इससे जो इसका समाधान निकालते हैं, ये उनके सामने एक चुनौती भी है। और सेहत के मद्देनजर अगर देखें तो खासतौर पे डॉक्टरों का ये कहना है कि ऐसे में जो 327 बहुत ज्यादा, अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है सरकारों से सवाल पूछने के साथ साथ, कम से कम आप अपने आसपास कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप मास्क, आपको कोरोना से भी बचाएगा और इस पोल्यूशन से भी बचाएगा, और जिन लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हैं वो घर से कम बाहर निकलें, आसपास खारे पेड़ खुद ही लगाएं, जितना हो सके पोल्यूशन से बचने की कोशिश करें। छोटे से ब्रेक लिया, रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ डेस्क। अयोध्या में 4 दिन तक चलने वाला उत्सव शुरू हो चुका है, इस बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, घाटों को साफ किया जा रहा है, जिससे दिवाली के दिन अयोध्या रोशन लगे। योगी सरकार के आने के बाद साल 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव 5वें साल भी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। अयोध्या शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, रथ सजाए जा रहे हैं, इन्हीं रथों पर दर्जनों कलाकार रामायण के अलग अलग प्रसंगों का प्रदर्शन करने वाले हैं। राम की पौड़ी पर लेजर शो प्रोजेक्टर की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, खास मेहमानों के बैठने के लिए मंच भी लगाया जा चुका है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीपक प्रज्वलित कर इस दीपोत्सव की शुरुआत करने जा रहे हैं। पांचवें दीपोत्सव में 9 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके अलावा 11 झांकियां निकाली जाएंगी। 9 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे, जिसमें राम की पौड़ी पर करीब 7.5 लाख और रामलला परिसर में करीब 1.5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है।
दिए जलाने के लिए आपको बता दें 12,000 वॉलेंटियर जो हैं इस काम पर लगाए गए हैं, जिसमें हर एक वॉलेंटियर को 65 दिए लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अयोध्या में कैसी तैयारी है इसकी हर एक तस्वीर न्यूज नेशन आपको लगातार दिखा रहा है। दीपोत्सव का पूरा और भव्य कवरेज आप तक लेकर आ रहे हैं। आपको अयोध्या के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें होगा ये अपडेट कैसी होने वाली है इस बार अयोध्या की भव्य दीपावली। जगमग अयोध्या, रोशन होती अयोध्या, प्रभु राम के आगमन से सजती अयोध्या, दीपावली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव। हर एक घाट, हर एक द्वार दीपक से जगमगाता रहेगा। जब यूपी में योगी सरकार आई थी, तब हर साल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का ऐलान किया था। तब से लेकर अब तक अयोध्या इसी तरह से सजती आई है, इसी तरह दिए जलते आए हैं। इस बार भी करीब 9,00,000 दियों का लक्ष्य है। दीपावली का आगमन है और अयोध्या अपने भव्य रूप में तैयार हो रही है। प्रभु राम के स्वागत में जिस तरीके से दीपावली मनाई गई थी त्रेता युग में, कुछ वैसा ही नजारा आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। मैं तैयारियां क्या है उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पीछे मैं राम की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हूं और पीछे आप देखिए एक अलग तरीके से भव्य तैयारी है आधुनिक अयोध्या को दिखाने के लिए, ताकि उसमें त्रेता युग का भी एहसास हो। पीछे की पूरी दीवारों पर 3D मैपिंग की गई है, लेजर शो यहां पर होगा और उसके जरिए भगवान राम की लीलाओं को दिखाया जाएगा और एक अलग तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले साल से कार्य आरंभ हुआ था, तब से दूसरी बार इतने अलौकिक तरीके से अयोध्या में दीप पर्व मनाया जा रहा है। इस साल भी सीएम योगी, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की भव्यता साल दर साल बढ़ती जा रही है। ये लगातार 5वां साल है जब अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि आज से दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज से लेकर 3 नवंबर तक अयोध्या में अलग अलग जगहों पर इस पूरे समारोह से संबंधित अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर राम की पैड़ी की तस्वीर है और यहीं पर दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होता है, जहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, लेजर शो के माध्यम से यहाँ पर एक प्रस्तुति की जाती है और देख सकते हैं कि जो यहाँ तैयारियाँ हैं वो जोरों पर। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, क्योंकि देशी विदेशी लोग भी दीपोत्सव पर्व में शामिल होते हैं। इस बार का उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है। बीजेपी राम नाम के सहारे ही चुनाव जीतती आई है। 5वें साल दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त दीपोत्सव की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। और इस वक्त बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या रंग बिरंगी लाइटों से रोशन हो चुकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये अयोध्या की तस्वीर है जहाँ पर बड़े बड़े जो तोरण द्वार हैं वो बनाए गए हैं लोगों के स्वागत के लिए। और इन तोरण द्वार में जो लाइटें लगाई गई हैं, इन लाइटों की खूबसूरती इस वक्त देखते बन रही है। क्योंकि आज 1 नवंबर है, लेकिन अगर हम बात करें तो 3 दिनों तक ये पूरा आयोजन चलेगा, 3 नवंबर को यानी कि। इसलिए फिर से प्रभु राम की शरण में पहुंचकर योगी जीत का आशीर्वाद मांगेंगे और यूपी में दोबारा कमल खिलाने का संकल्प लेंगे। न्यूज नेशन। पिछले 5 साल से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल दिए जलाने का रिकॉर्ड बढ़ता जाता है। 2017 में 1.65 लाख दिए जलाए गए, 2018 में 3.15 लाख दिए जलाए गए और 2019 में करीब 5.5 लाख दिए जलाए गए और पिछले साल 6 लाख से ज्यादा दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ।